दिवंगत नेता इंदिरा हरदेश को श्रद्धांजलि देने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत भी हल्द्वानी पहुंचे। इंदिरा हरदेश के निधन पर शोक जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनकी आकस्मिक मृत्यु पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि 40 साल से ज्यादा का उनका राजनीतिक कैरियर रहा और इस दौरान उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा हरदेश को हमेशा उन्होंने अपनी बड़ी दीदी के समान माना। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती थी, इंदिरा हरदेश उनके लिए रोल मॉडल थी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इंदिरा हरदेश हमेशा हर काम में सहयोग किया करती थी और उनके अनुभवों से हर नेता को कुछ ना कुछ सीख लेने की जरूरत है। अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इंदिरा हरदेश जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विधाता को तो यही मंजूर था। अनेकों यादें हैं, लेकिन दुख का विषय यह है कि जो हम सबकी बहुत बड़ी थी, संसदीय ज्ञान की पुरोधा थी और एक वरिष्ठतम नेताओं में उत्तराखंड की थी। मुझे लगता है कि ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है और मैंने देखा कि जिस प्रकार से वो शालीनता से व्यवहार करती थी, जिस प्रकार से वो अपने अनुभव को दूसरे साझा करती थी, कभी हमें आवश्यकता पड़ती थी चाहे सदन के अंदर चाहे किसी बैठक में, हमेशा उनका एक अच्छा मार्गदर्शन हमें मिलता था। मैं भी आते ही कह रहा था अपने माननीय मंत्री जी को, कोई मौका ऐसा विधानसभा के अंदर सदन में नहीं आया कि जब वो ऐसी एडामेंट होगी, नहीं ये सब तो होना ही चाहिए, जिस विषय पे हम समझाते थे, कोई बात करते थे, सदन को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ कि वो दूसरी विचारधारा के व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करती थी। एक बार विधानसभा के अंदर एक पुस्तिका का विमोचन होना था, महामहिम राज्यपाल जी उसमें थे, उनको बुलाया गया था, इंदिरा हरदेश जी को, और उन्होंने बस सार्वजनिक रूप से मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने प्रेमचंद अग्रवाल का वो रूप देखा है जब वो विपक्ष में विधायक थे और अपने विधानसभा क्षेत्र का विषय उठाने के लिए बहुत आक्रामक होकर बात करते थे, और जब हमें ये पता चला अध्यक्ष विधानसभा के रूप में प्रेमचंद अग्रवाल आ रहे हैं तो हमें लगा कैसे करेंगे, लेकिन इतना बढ़िया आप संचालन कर रहे हैं, इतने बढ़िया आप पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं। इस प्रकार की एक टिप्पणी करना, एक अच्छे काम की सराहना करना, ये आजकल के ज़माने में किसी नेता के मुख से देखने को नहीं मिलता। साथ में मेरा अध्यक्ष विधानसभा का जो कोष है, मैंने अनेकों बार उनके बारे में मैंने कोड किया, क्योंकि तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन पहली बार मुझे आपके द्वारा, आपके कार्यालय के द्वारा जब ये जानकारियाँ दी गई, का मतलब ये उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की जो मैंने मेरे पूरे उत्तराखंड के अंदर मेरे विधायकों को मेरे द्वारा दिया जा रहा था। यानी कि जिस प्रकार से इतनी वरिष्ठतम वो नेता थी, एक विचारधारा उनकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, लेकिन यदि मैं ठीक काम कर रहा हूँ तो उसको कैसे सराहना करना, मुझे तो कहने में कहीं संकोच नहीं। आज के नेताओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। लोग निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए खून के प्यासे हो जाते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं, लेकिन अनुभव अपनी जगह है, उनका ऐसा व्यवहार हमेशा मुझे तो सालता रहेगा। ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है, पूरे पहाड़ के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही मैं कह सकता हूँ। एक बहुत बड़ी राजनेता थी और उनका जाना पूरे प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बहुत बड़े दिल की थी, दल की सीमाओं के ऊपर उठकर काम किया करती थी। संसदीय परंपराओं का जितना अपार ज्ञान उनको था, शायद ही उत्तराखंड में किसी दूसरे को। उनके जाने से ही वैक्यूम आया है आज राजनीति में। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। इससे ज़्यादा आपके साथ भी किस तरह की उनकी यादें रही? मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे, हमेशा मातृत्व भावना से उन्होंने हम लोगों को प्रेम दिया। बहुत कुछ सीखने का उनसे अवसर मिला, कई बार लड़ाई भी होती थी, लेकिन उसके बाद फ़ोन करके कहती थी फलाना काम कर दिया। मैंने इसीलिए कहा कि ऐसे बहुत कम लोग दिखाई देते हैं जिनकी कार्यशैली इस तरह की है। और विपक्ष के नेता रह के हम लोग पहली बार आमने सामने रहे, कभी भी सरकार को घेरने में उनकी मंशा ये नहीं होती थी कि सरकार को शर्मिंदा किया जाए। हमेशा इस मंशा से विपक्ष के नेता का धर्म निभाया कि सरकार अगर किसी चीज़ में सुधार की आवश्यकता है सुधार करे ताकि राज्य हित हो सके। तो ये उनकी एक बिरले लोगों में चीज़ दिखाई देती है। निश्चित रूप से उनके जाने से बहुत हम लोग दुखी भी हैं, मेरा व्यक्तिगत भी नुकसान है और प्रदेश के लिए अपनी क्षति है। दुखद समाज सबके लिए घटना है,
क्योंकि मेरे 40 साल से जब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता था, वो MLC का चुनाव लड़ती थी, तब से मेरे उनसे रिश्ते थे और बड़ी बहन के रूप में मैंने हमेशा उनको लिया। फिर हमने साथ साथ मंत्री के रूप में काम किया। अभी एक दिन पहले ही अरुण की मृत्यु हुई, एक दिन पहले उनका मुझको टेलीफोन आया था हालचाल पूछने के लिए, और सही मायने में उत्तर प्रदेश में शिक्षक नेता के रूप में मैंने विधान परिषद में देखा है उनका जलवा कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो बहुत सारे परिवर्तन हैं वो उसमें उनकी अहम भूमिका रही। तिवारी जी के समय में जब वो PWD मिनिस्टर थी, जो आज गांव-गांव तक सड़क से जोड़ने का काम आज उन्होंने किया, आज चाहे हल्द्वानी हो चाहे देहरादून के जो सड़कें हैं, कहने का हमेशा जो सोचता हूँ बहुत बड़ा सदमा हम सब के लिए। और वो केवल राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर एक सबकी प्रिय थी, सबका सहज उनका व्यवहार सबके साथ मैं सोचता हूँ। और आज विशेष करके महिलाओं के लिए, जो भी महिला राजनीति में कदम रखती है वो सोचती है कि मैं भी अगर मेहनत करूंगी तो एक दिन इंदिरा हरदेश जी की तरह मैं उत्तराखंड की राजनीति में एक मुकाम पा सकती हूं, तो महिलाओं के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत है। तो मैं सोचता हूं कि आज हम सब उत्तराखंड वासियों ने एक बहुत अपनी बड़ी बहन को, एक बड़ी नेता को खोया है।